आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार के विकास के कार्य में तो ध्यान नहीं देती, लेकिन हाँ लोगों को गुमराह करना बहुत अच्छे से जानती है। आज एक मिथ्या कैंपेन इन्होंने दोबारा शुरू करा है, झुग्गी बचाओ बीजेपी हटाओ। लोगों को भ्रमित करने के इस कैंपेन में मैं ये पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी से कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में उनकी सरकार है, गरीब को घर देने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया है? केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं करा। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने देते तो शायद ही दिल्ली के किसी गरीब को झुग्गी में रहने की भी आवश्यकता होती। प्रधानमंत्री आवास योजना से ही इतने घर बन जाते कि किसी को झुग्गी में रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विकास की नीति से बौखलाई हुई है। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहली बार विकसित भारत संकल्प यात्रा से ये करा है कि सरकारी दफ्तरों तक लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलकर गरीब के घर लोगों के द्वार आ रही हैं। और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक बहुत इम्पैक्ट, एक प्रभाव दिल्ली में भी पड़ रहा है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी विचलित है। इसीलिए उन्होंने ये फालतू का कैंपेन आज शुरू करा है। कांग्रेस के कार्यकाल में 50,000 घर बने थे जो आज खंडन हो गए हैं क्योंकि केजरीवाल सरकार ने उन तक को गरीबों तक आवंटित नहीं किया। खुद तो कोई काम करेंगे नहीं, मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों को लोगों तक पहुंचने नहीं देंगे दिल्ली में। आप जानते हैं आज के दिन मोदी सरकार के विकास के प्रयासों से 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उभरे हैं, 13.5 करोड़ लोगों के घर से नल से जल पहुंचा है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर के कनेक्शन मिले हैं। अगर आप जन औषधि केंद्रों की बात करें तो 75% डिस्काउंट पे अच्छी और सस्ती दवाइयां मिलती हैं, जिसके कारण जरूरतमंद लोगों के 23,000 करोड़ रुपए बचे हैं। मैं आग्रह करती हूं केजरीवाल सरकार से कि लोगों को भ्रमित करना बंद करिए और विकास के कार्यों पर ज्यादा ध्यान दीजिए।